आज़ादी का अमृत महोत्सव नूं समर्पित आज़ादी का सफर तहत असी भारत की आज़ादी विच योगदान पाउण वाले वख-वख मन्ने परमन्ने अते गुमनाम आज़ादी संग्रामियां दे जीवन दे पहलुआं तों तुहानूं जाणू करवाउंदे हां। इस तों इलावा आज़ादी दे संघर्ष नाल जुड़ियां होर गतिविधियां बारे भी दसदे हां। अज दी कड़ी विच असी तुहानूं समाज सेवक अते आज़ादी घुलाटिए पांडुरंग सदाशिव साने, समाजिक कारकुन ईवी रामासामी अते आज़ाद हिंद फौज दे सैकंड लैफ्टिनेंट हरभजन सिंह बारे जानकारी दे रहे हां। चौबी दसंबर नूं पांडुरंग सदाशिव साने की जयंती है, जिन्हां नूं उन्हां दे पैरोकार साने गुरु जी कहिंदे ने। पांडुरंग साने एक अध्यापक, समाज सेवक अते आज़ादी घुलाटिए सन। उन्हां दा जन्म 1899 विच महाराष्ट्र दे रत्नागिरी विच होया सी। साने ने एक संभावी मुनाफे वाला शानदार कैरियर छड के पेंडू खेतरां दे स्कूलां विच पढ़ाया। उन्होंने विद्यार्थी नाँ का एक मैगजीन कढ़िया। 1930 विच ना मिलवर्तन दे अंदोलन दे सद्दे तों प्रेरित होके साने ने अपना पढ़ाउण दा पेशा छड दित्ता अते आज़ादी दे संघर्षां नूं अपना जीवन समर्पित करन दा फैसला लिया। छोड़ो भारत चळवळ शुरू झाली, गांधी जींनी प्रेरणा दिली, करेंगे मरेंगे मंत्र, जनतेने खूप दिली बघा साथ, जी ही जी जनतेने खूप दिली बघा साथ। उन्होंने पेंडू महाराष्ट्र खास करके खान देश खेत्र विच इंडियन नैशनल कांग्रेस दे फैलाव विच अहम भूमिका निभाई। वह कांग्रेस दे फैजपुर सैशन दे संगठन विच सरगर्म तौर ते शामिल होए। 1930 तो 1947 दे दौरान साने ने अंग्रेज़ां दे खिलाफ वख-वख अंदोलना ते विरोध प्रदर्शनों विच हिस्सा लिया। वह 6 साल अते 7 महीनों लई धूले, तिरुचिनापल्ली, नासिक, यरवदा अते जलगांव दीआं जेलां विच रहे। साने ने विशेष तौर पर कौमी एकता की मुश्किल नूं समझते हुए भारतीय भाषावां नूं सिखण दे महत्व नूं पछाणिया। उन्होंने कौमी पद्धर ते अंदोलन शुरू किया। साने ने तिरुकुरल की प्राचीन तमिल रचना का मराठी विच अनुवाद भी किया। पांडुरंग साने ने छूछात के मुद्दे प्रति जागरूकता लियाउण लई पूरे महाराष्ट्र की यात्रा की। 1997 विच उन्हां अखौती अछूतां लई पंडरपुर विठल मंदिर नूं खुलवाउण लई भुख हड़ताल ते चले गए। 11 दिनां दे वर्त तों बाद आखिरकार विठल मंदिर दे दरवाजे अखौती अछूतां लई खोल दित्ते गए। पांडुरंग साने महात्मा गांधी की हत्या तों बहुत दुखी सन। गांधी जी की हत्या की खबर सुन के साने 21 दिन लई वर्त ते बैठ गए। देश के हालात तों असंतुष्ट होकर उन्होंने 11 जून 1950 नूं अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। चौबी दिसंबर नूं महान आज़ादी घुलाटिए अते समाजिक कारकुन ई वी रामासामी दी वी बरसी है, जिहड़े पेरियार वजों जाने जांदे ने। एक महान बुलारे पेरियार ने अंग्रेज़ां विरुद्ध लड़न लई जीवन दे हर खेतर दे लोकां नूं लामबद्ध कीता। समाजिक सरगर्मियां नूं समां देण लई पेरियार ने सारे सरकारी अहुदियां तों अस्तीफा दे दिता। नाल दी नाल लाहेवंद परिवारक कारोबार नूं वी छड्ड दिता। उन्हां नूं खादी का प्रचार करन अते बरतानवी वस्तां दा बायकाट करन लई कैद दी सज़ा सुनाई गई सी। पेरियार लिंग समानता दे समर्थक सन। उन्हां ने औरतां दी सिक्ख्या लई अंथक यतन कीते। रामासामी ने 50 साल तो वध समा भाषण देंदे हुए गुजारिया। उन्हां इस गल का प्रचार किया कि सारे नागरिक बराबर ने। रामासामी के जनतक जीवन विच दाखल होने तक तमिल समाज विच फिरकू वितकरा बहुत डूंगा सी। पेरियार नूं द्रविड़ अंदोलन के पितामा वजों भी जाने जाता है। पेरियार ने 24 दिसंबर 1973 नूं आखिरी सां लिया। दम
अज असी हरभजन सिंह नूं याद कर रहे हैं जिहड़े 1942 विच आजाद हिंद फौज विच शामिल होए सन। उन्होंने सैकेंड लैफ्टीनेंट के तौर पर बर्मा के मोर्चे ते बरतानवी फौज के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 24 दिसंबर 1944 बर्मा विच दुश्मन नाल लड़ाई विच शहीद हो गए। असी बहादुर शहीद नूं सलाम करते हैं। आगे बढ़ फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का।